शहर का नगर आईना सोशल डायरी। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा। गैलरी वन में हमेशा हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट का काम दिखाते हैं जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने माशरे की सोच की अकासी भी करते हैं। लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग टुडे एंड हु द आर्टिस्ट इज टुडे। अब्दुल जब्बार गुल मेरे ख्याल है पाकिस्तान में आर्ट के रेफरेंस में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि वो हमारे पाकिस्तान का एक फ़ख्र है कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बाहर भी डिस्प्ले किया है। और आई एम श्योर कि जब आप लोग आएंगे तो आप भी बहुत पसंद करेंगे इस शो को। बेसिकली ये मेरी विंग थॉट की सीरीज़ है, और जो ये विंग वाली फॉर्म है जनरली लोग इनको समझते हैं कि एंजल्स या कोई एनिमल या बर्ड फॉर्म, बट ये मेरे लिए थॉट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट सिंबल हैं, कहीं से वो थॉट्स ओरिजिनेट होते हैं और कहीं वो फ्लाई करते हैं, और उनकी डायरेक्शन ज़मीन से आसमान की तरफ भी है, आसमान से नीचे की तरफ भी है और साइडवेज भी है। बहुत ही अच्छा एक्सिबिशन है, मैंने पहले भी इनका काम देखा है, मैं पहले भी इनके वर्क के बहुत एडमायर करती हूँ, मगर आज जो मैंने देखा है वो उससे भी आगे बढ़ गया है और भी खूबसूरत है। इंशाल्लाह बहुत गज़ब का काम और भी करेंगे इसके बाद। अब्दुल जब्बार गुल के सोलो एग्जिबिशन काफ़ी दो चार साल के बाद यहाँ हुआ, बेहद खुशी हो रही क्योंकि बहुत आगे चले गए हैं जब्बार इस नुमाइश में, और ये जिस तरह इसका उन्वान है थॉट्स फ्रॉम द सेलेस्टियल वर्ल्ड, तो ये लेके गए हैं एक दूसरी दुनिया में ख्यालात के ज़रिए। उनका रिसेंट शो जो है ऑब्वियसली थॉट्स को लेकर है, जो इंसान के ऊपर एक ख़ास कुदरत की तरफ से इल्हाम की तरह या एक ख़ास नॉलेज के बाद जो विजडम पैदा होता है, वो चाहे आसमानी हो चाहे वो हमारे एक ख़ास मेहनत से जो हासिल होता है विजडम, उसी को उन्होंने आइडिया के तौर पर प्रैक्टिस किया है।